मैंने कुछ हफ्ते पहले एक वीडियो बनाई थी, आई लॉस्ट माई डॉट 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 डॉट। सो उसके वीडियो के एंड में मैंने बताया था कि मैं इंडियन एम्बेसी जा रहा हूँ, और मैं क्यों जा रहा हूँ वो आज मैं आपको बता रहा हूँ। सो चलते हैं एक हफ्ते पहले कि मैं इंडियन एम्बेसी क्यों गया था, लेट्स गो। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं यही बोलूँगा कि यार देखो, काफ़ी लोग मैं देखता हूँ कि रेगुलरली वीडियोस देखते हैं, बट आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा। तो प्लीज़ मेरी दरख्वास्त है आप सब लोगों से कि यार सब्सक्राइब कर दो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। वीडियोज़ को लाइक किया करो, अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक किया करो, और ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करना, ताकि और लोगों की हेल्प हो। और जो लोग यहाँ पर परेशान हैं, काफ़ी मेरे पे मैसेज आते हैं कि भाई हम परेशान हैं कुवैत में, हमें क्या करना चाहिए। सो जो मैंने किया वो आपको अभी पता लगेगा। सो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और प्लीज वीडियो पूरी देख लेना। हेलो एवरीवन, कम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज विपिन गुजेला। आप सब लोगों से एक बात बोलना चाहूंगा कि जिंदगी में अगर आपको कभी भी मौका मिले ना, तो एक बार किसी की हेल्प करके देखना बिना किसी मतलब के, और उस दिन जो आपको खुशी मिलेगी ना, अब दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो गए, लिख के दे रहा हूँ मैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ आज। मतलब मुझे लग रहा है कि चलो यार, एटलीस्ट मैं किसी इतना सा काम आ पाया, और आई डोंट नो कि मुझे इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए थी नहीं। मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज था, मैंने काफ़ी लोगों से पूछा भी, बट मैंने अपने लिए रखा, मैंने कि चलो एटलीस्ट बना के रखता हूँ, और मैंने उन लोगों से परमिशन भी ली। अब मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या था पूरी स्टोरी स्टार्टिंग से। 4-5 दिन पहले मेरी किसी यूट्यूब की वीडियो में कमेंट आया, वो बंदा बोलता कि भाई, पंजाब साइड का था, तो उसने मुझे बोला भाई कि मेरी बहन कुवैत के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, और मैं पिछले 10-15 दिनों से बहुत कोशिश कर रहा हूँ किससे कॉन्टैक्ट करूँ, तो आपकी वीडियो आई, आपके कमेंट्स पढ़े मैंने, तो देखा कि शायद आप मुझे हेल्प कर सकते हो। मैंने कहा ओके, मैंने देख लिया। अब कभी कभी इतने सारे मैसेजेस आ जाते हैं कि मैं देख नहीं पाता, सही है। सो मैंने कहा कि चलो, एकदम से नज़र चली गई कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ ऐसे करके, तो मैंने कहा कि चलो आप, मैंने कहा कि उसको आप इंस्टाग्राम पे, इसलिए मैं सब लोगों को बोलता हूँ कोई बात करनी हो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करा करो। सर अब फॉलो नहीं करना, कोई मैसेज है यार करो, कोई ज़्यादा ज़रूरत है, आपको कोई एडवाइस चाहिए, लेकिन जॉब वीज़ा से हट। तो उसने बोला कि मेरी बहन प्रॉब्लम में है, मुझे इंस्टाग्राम पर उसने मैसेज किया कि भाई मुझे आपसे बात करनी। फिर हम वॉइस कॉलिंग करने लगे, वॉइस मैसेज पर बात करने लगे इंस्टाग्राम पर। तो फिर मैंने कहा कि चलो यार, मेरा नंबर ले और मुझसे बात करी क्या प्रॉब्लम। मैंने कहा चल सुनता हूँ भाई। मैंने फिर उसको फ़ोन किया, मैंने खुद नहीं फ़ोन किया उसको, कि मैंने कहा हाँ भाई क्या बात होगी, ऐसे ऐसे बताने लगा सारी बातें कि मेरी बहन ने सुसाइड करने की कोशिश की है, और मैं यहाँ पर हूँ अभी पंजाब में, तो मैं क्या करूँ, और मेरी बहन के अलावा मेरा कोई नहीं है, और उसका एक बच्चा है, मतलब उसका भांजा, मतलब तीन जने रहते हैं। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा यार फिर तुम, फिर मैंने उसको पूछा कि मैंने कहा आपके पेरेंट्स कह रहे हैं मम्मी पापा नहीं है। मुझे मतलब उस वक्त इतना वो लगा ना कि यार, मतलब बंदा है और वो 20-21 साल का लड़का है, और वो अपने भांजे को कैसे संभालता होगा, उसका स्कूल, खुद का खाना, वो खुद भी पढ़ता होगा, उसकी बहन इतनी दूर आई है कुवैत में और इतनी प्रॉब्लम में है। तो मैंने सोचा कि चलो यार, एटलीस्ट जितना मेरे से होगा, मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई तू टेंशन मत ले, जब तक मैं हूँ ना, तेरी बहन जब तक अब इंडिया नहीं पहुँच जाएगी ना, मैं बिल्कुल चैन से नहीं बैठने वाला। मैंने उसको सीधा बोला, शायद फ्राइडे थर्सडे की बात थी, मैंने उसको बोला, मैंने कहा संडे को मेरा ऑफ होता है, मैं संडे को ज़रूर जाऊँगा, मैं अपने सारे काम छोड़ दूंगा, चाहे जो भी कुछ होगा मैं ज़रूर जाऊँगा। तो आज संडे था, तो फिर मेरे को उसने पूरी स्टोरी बताई। मैं इंडियन एम्बेसी भी गया, मैं बताता हूँ कि क्या क्या हुआ। तो फिर मैंने उसको बोला कि, मैंने कहा चल कोई नहीं, उसने मेरे को सारी स्टोरी बताई वो कैसे आई। उसका कोई फ्रेंड था, उसके फ्रेंड ने बोला उसको बोला कि मैं तेरी बहन को लगवा देता हूँ यहाँ पे कुवैत में, वीज़ा निकलवाया। अब जो घर में जो लोग काम करने वाले थे, मेड्स वगैरह, उसको खादिम का वीज़ा निकलवा दिया होगा। तो उसको बोला गया लड़की को कि भाई आपको 5-6 लोगों के लिए कुकिंग करनी है। तो उसने बोला सही, मैं कर दूँगा, लेकिन मेरे को सिर्फ इंडियन खाना आता है बनाना। तो उसने बोला सही है कि कोई नहीं, आपके साथ एक लड़की होगी हेल्पर के लिए, वो आपको कुवैती का जो खाना होता है वो सिखा देगी 10-15 दिन में। उसने कहा कि सही है, मैं अच्छे से क्विक लर्नर हूँ, तो मैं जल्दी सीख भी जाऊँगी 10-15 दिनों में, कोई दिक्कत नहीं है। वो जैसे तैसे करके यहाँ पर आ गई है। 4-5 दिनों के अंदर ही, मतलब उसको काम नहीं आ रहा होगा, तो उस पर डस्टबिन फेंक के मार दिया भाई उस लड़की के ऊपर, बताओ जी। तो ये उसने, वो भी हैरान हो गई कि मेरे को ऐसे कैसे कर दिया यार, मतलब मैं मेरे को आता नहीं है ये वो। तो उसने अपने आप को सुसाइड करने की कोशिश की, क्योंकि उसको बहुत टॉर्चर किया जा रहा था हर चीज़ में, इतना टोकना ये वो ये वो। फिर
कुवैत में जो एम्बेसी, कुवैत में एम्बेसी, कुवैत में जो कंसल्टेंसी थी उस कंसल्टेंसी, हाँ, तब उसने फिर क्या करा, उसने अपने आप को सुसाइड करने की कोशिश की, उसने अपने हाथ वाथ काट लिया था, यहाँ से नसें वगैरह काट ली थी। और होता है यार, ऑब्वियसली तुम कितना अरमान लेके आते हो, क्या बोल के लेके आए और क्या काम करना पड़ रहा है आपको, तो कुछ नहीं समझा, मतलब कुछ समझ भी नहीं आता उस वक्त, होता है यार ऐसा। और अगर आप लोगों के साथ कभी कुछ ऐसा होता है लाइफ में यार, देखो अपने घर वालों के बारे में सोचो, अपने परिवार वालों के बारे में सोचो, उन लोगों के बारे में सोचो जो आपको देख कर जी रहे हैं यार, ऐसा काम बिल्कुल मत करो यार। ज़िंदगी भगवान ने दी, इतनी जल्दी कभी हार नहीं माननी चाहिए इंसान को। आप अपना अच्छे से काम करो, कोई प्रॉब्लम है एटलीस्ट किसी के साथ शेयर तो करो, आप शेयर करोगे क्या पता वो आपके लिए कुछ कर पाए। तो बस फिर जैसे तैसे उसको फिर वहाँ हॉस्पिटल लेके गए, पुलिस आई, पुलिस ने कंप्लेन वम्प्लेन लिखी, पुलिस वालों ने सीधा बोल दिया था कि भाई इस लड़की को सीधा इंडियन भेज दो, और इंडिया भेज दो। तो उन्होंने क्या करा, जो कुवैत में कोई कंसल्टेंसी थी जिसके थ्रू वो घर, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जैसे कुवैत में कंसल्टेंसी होती है वो घरों में बंदों को भेजती है, और कुवैती जो लोग होते हैं वो उनको देते पैसे 800 केडी 900 केडी के, हाँ भाई हमें काम करने वाले दे दो तुम, और हम तुम्हें पैसे दे देते हैं। तो सही है भाई, उनको क्या, वो भी पैसे कमाने के लिए बैठे हैं। वहाँ से उन्होंने दे दी उनको लड़की काम करने के लिए, लड़के लड़की जो आते हैं घरों में काम करते हैं, सही है भाई, दे दिया। उसके बाद उसने उन्होंने क्या करा, उस कंसल्टेंसी वालों ने, कि तुम भाई कहीं मत जाओ, तुम उस लड़की को यहाँ पे लेके आ जाओ। अब वो लड़की भी वहाँ चली गई, वो भी नहीं, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था भाई, सही है, सब कुछ होने के बाद, क्योंकि पुलिस का तो केस ख़त्म, पुलिस वालों को मतलब नहीं भाई, पुलिस वाले अपना सही है फ्री हो चुके थे। अब उनको क्या पता वो लड़की इंडिया गई या नहीं गई, वो कंसल्टेंसी वालों ने उनको, उस लड़की को दूसरे घर में भेज दिया। सही है भाई, अब दूसरे घर में भेज दिया तो वहाँ भी उसको प्रॉब्लम, कभी कुछ कभी कुछ, कहते 20 20 घंटे काम करा रहे हैं, और कभी कुछ बोल रहे कभी कुछ बोल रहे, ना कोई फ़ोन अलाउड है, फ़ोन अभी तक नहीं दिया। अब वो किसी के फ़ोन से मुझे फ़ोन कर रही थी, मेरी बात हुई उससे, उसने मुझे बताया, उसके भाई से भी मेरी बात हुई, मैंने दोनों को बोला, मैंने कहा उसकी बहन को भी मैंने समझाया, मैंने कहा देखो वो मैरिड है, तो मैंने उसको समझाया कि मैंने कहा देखो आपने बहुत बड़ा गलत डिसीजन लिया, आपने ऐसा करा, सुसाइड करने की कोशिश करी, आपका बच्चा है, आपका भाई है, वो आप ही के सहारे तो जी रहे हैं यार। तो जैसे तैसे मैंने उन्हें समझाया, फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं एम्बेसी जाऊँगा, आज एम्बेसी में गया। यार देखो मैं ना अभी आ रहा हूँ इंडियन एम्बेसी में, सो इस वीडियो को मुझे नहीं पता, ये मैंने अपने रिकॉर्ड के लिए बना रखी है, कल को मेरे ऊपर भी कोई उंगली ना उठे, कोई मेरे ऊपर भी उंगली ना उठाए ना। सो अभी जस्ट मैंने अपनी साइकिल खड़ी करी है, मेरे यहाँ से 2.5 3 किलोमीटर कुछ दूर था, साइकिल चला के आया हूँ, ऑलमोस्ट टाइम भी देख लेता हूँ कितना हुआ है, ताकि उन्हें हर चीज़ का प्रूफ रहे। टाइम 2:36 और डेट है 29 दिसंबर संडे। अभी जाता हूँ, और जिसकी जो बहन है वो प्रॉब्लम में है, मैं चाहता हूँ कि भगवान बस वो इंडिया पहुँच जाए, बिकॉज़ उसका एक बच्चा है और उसका एक भाई है, जिसके उस भाई ने मतलब रो रो के जब मुझे मतलब बताया था सारी बातें, तो मतलब मेरी आंखें भी नम सी हो गई थी। तो मैंने सोचा कि चलो यार, मैं अगर कर सकता हूँ किसी के लिए काम आया तो बस ज़िंदगी में क्या, अगर भगवान ने ज़िंदगी दी एटलीस्ट किसी के काम आ जाओ ना, तो उससे बड़ा कोई कोई भी मतलब सुख नहीं है। मुझे नहीं लगता कि यार इससे बड़ा कोई एक वो हो सकता है कि तुम किसी काम आ जाओ बस, और वो भी ऐसी मुसीबत में किसी बाहर देश में। सो मैं कर रहा हूँ अपनी रिस्क पे, मुझे नहीं पता कि मेरे ऊपर भी कितनी उंगलियाँ उठेंगी, कहाँ मेरे लिए रिस्क है कहाँ नहीं है, बट फिर भी मैं करूँगा ज़रूर। मैं चाहता हूँ कि किसी की बहन घर पहुँच जाए, बिकॉज मेरी भी उनसे बात हुई है, अभी उनका भी फ़ोन आ रहा था, तो जाते हैं फटाफट, ऑलमोस्ट 2:30 बज चुका है, लेट्स गो। ये मेरी यहाँ पर साइकिल खड़ी है, सही है, और ये है पूरी इंडियन एम्बेसी, यहाँ पे ऑलरेडी मैं एक बार आ रखा हूँ। सो ये है पूरी इंडियन एम्बेसी, अपने इंडिया का फ्लैग ये है, और यहाँ पे है। सो अभी मैं जस्ट बाहर आया हूँ, 5 मिनट हो गए थे मुझे, मैंने पूछा किसी से, तो एक बंदे ने बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन दी। मैंने बोला कि यार जो मेरा फ्रेंड है उसकी सिस्टर को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कुवैत में, और वो बहुत ज़्यादा रो रही है, उसने सुसाइड करने की कोशिश करी, और ऐसे ऐसे है, और जिस बंदे के घर में वो काम करते वो पुलिस वाला, तो वो भी डर रही है कहीं पुलिस वाला कुछ करेगा तो नहीं। तो उसने बोला कुछ नहीं होगा, जिसको प्रॉब्लम है उसको इंडियन एम्बेसी आना पड़ेगा। मैंने कहा उसके पास पासपोर्ट भी नहीं है तो कैसे जा सकती है, कह रहे बस उसको एम्बेसी आने के लिए बोलो, फिर उसके बाद जो काम करेंगे हम करेंगे, वो सारी रिपोर्ट वगैरह, अगर पासपोर्ट नहीं भी देगा तो वो वाइट पासपोर्ट बनाएंगे इंडियन एम्बेसी वाले, और उसको सीधा इंडिया भेज देंगे, और इंडिया भेजने के बाद फिर वो वापस कभी कुवैत नहीं आ सकती, बिकॉज वाइट पासपोर्ट के बाद फिर वो कभी ज़िंदगी में कुवैत नहीं आ सकती। जाना चाहते तो बताओ, मैं पूरा इंडियन एम्बेसी जाऊँगा, जितना मेरे से हेल्प होगी मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा, बट मेरे को मेरा जो नंबर है, उस बंदे ने मेरे को बुला लिया और बोला क्या बात है, मैंने कहा ऐसा से बात है, ऑलरेडी एक लेडी भी बैठी हुई थी, मैंने कहा पहले आप इनसे बात कर लो फिर मेरे से कर लेना, कह रहा कोई नहीं आप बताओ क्या बात है।
उसने सुन ली 5 मिनट में, उसने मेरे को सारा सॉल्यूशन बता दिया। मैंने कोई पैसे वगैरह कह रहा, कोई पैसे नहीं लगेगा, 5 करोड़ लगेगा सिर्फ, वो बाद में है जब सारा काम हो जाएगा। अब वो भी किसका लगेगा वो मुझे नहीं मालूम। अब मैं बात करता हूँ और देखते हैं, उसके बाद मैं जाता हूँ रूम पे, बिकॉज काफ़ी देर का निकला हूँ। चलो, और बस मैं यही चाहता हूँ कि यार वो जो लड़की है बस चली जाए यार अपने घर। यही सेम इंसिडेंट अभी कुछ कल परसों, मेरे को कल ही एक सब्सक्राइबर ने मैसेज किया था, मैंने उससे बात करी, सेम इंसिडेंट। तो उसका जो भाई है वो इंडियन एम्बेसी पहुंच चुका है आज, और मैं यही बोलूँगा कि जो लड़की है वो भी इंडियन एम्बेसी में पहुंच चुकी है, और 1-1.5 महीने का टाइम लगेगा, वाइट पासपोर्ट बनेगा, और उनको खाने पीने की सारी सुविधा दी जा रही है इंडियन एम्बेसी की तरफ से कुवैत के अंदर। और आप सब लोगों से यही बोलूँगा कि अगर आपको कहीं पर भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आप इंडियन एम्बेसी जाओ। और जो लोग आपको ये बोलते हैं कि भाई मैं ये केस कर दूँगा, आपके जो भी मालिक वगैरह हैं, जो कुवैती आपको बोलते हैं कि मैं ये केस कर दूँगा, चोरी का केस कर दूँगा आपके ऊपर, आपको बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। सो प्लीज़ आप जाओ इंडियन एम्बेसी, उनको एक बार बताओ कि क्या प्रॉब्लम है, लेकिन उनसे छुप के आपको भागना पड़ेगा जो भी है। सो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इंडियन एम्बेसी जाओ। और मैं इस संडे को जाने वाला हूँ, और देखते हैं वहाँ पर क्या क्या होता है। और वो दोनों तो खैर इंडियन एम्बेसी में हफ्ते में एक दिन उनको घर पे बात करने के लिए वो लोग देते हैं, और खाना पीना सब कुछ अच्छा है, वो शेल्टर में भी रह रहे हैं। मैं इस संडे को जाने वाला हूँ, सो लेट्स सी क्या होता है। तो उसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए इतने, बाय, टेक केयर, जय हिंद।